तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का जो है लाइव स्ट्रीम थंबनेल आप कैसे बना सकते हो। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी गेम नहीं खेलते, कोई और गेम खेलते हो, तो एक बार इस वीडियो को देख लो तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे लाइव स्ट्रीम थंबनेल बनाना है या फिर कोई भी गेमिंग थंबनेल बनाना है। तो कुछ ज़रूरी जो है न्यू स्टेप्स मैंने ऐड किए हैं जो कि आपके थंबनेल को बहुत ही अच्छा बना देगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक PNG, क्योंकि अगर आप गेमिंग थंबनेल्स को नोटिस करते होगे तो आपको पता होगा कि कोई ना कोई एक कैरेक्टर रहता है या फिर कोई ना कोई एक लोगो रहता है गन पकड़े हुए जिस गेम की आप थंबनेल बना रहे हो। तो इसीलिए मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ बैकग्राउंड इरेजर एप्लीकेशन। आप चाहे तो कोई और भी PNG बनाने वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो या फिर बैकग्राउंड इरेज करने वाला एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो लाइक पिक्सआर्ट। तो मैं जल्दी से PNG बना लेता हूँ। नेक्स्ट हमें टेक्स्ट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए मैं पिक्सेल लैब एप्लीकेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप चाहे तो अपने थीम के हिसाब से कलर चूज़ कर सकते हो टेक्स्ट में। तो मैं यहाँ पर सिर्फ वाइट टेक्स्ट ले रहा हूँ, वाइट कलर का। तो मैं जल्दी से टेक्स्ट बना लेता हूँ। तो PNG एंड टेक्स्ट बनने के बाद हमको PNG टेक्स्ट और अपने स्क्रीनशॉट को जो है एक ही साथ लाना है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ PSCC एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ले लेनी है, उसके बाद आपको लेयर पर जाना है और प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोटो लेयर पर जाना है और अपना जो है स्क्रीनशॉट वो ऐड कर लेना है। तो स्क्रीनशॉट ऐड करने के बाद हमें उसका जो है साइज एडजस्ट करना होगा। तो उसके लिए आपको उसकी ओपेसिटी जो है कम कर देनी है। फिर आपको ऊपर जो है एंड का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर जाने के बाद आपको एक ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। उस पर टैप करने के बाद आप उसका जो है साइज एडजस्ट कर सकते हो। तो साइज एडजस्ट होने के बाद आपको वापस से उसकी ओपेसिटी जो है 100% कर देनी है। नेक्स्ट आपको ऊपर FX का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करना है और स्टाइलाइज पर जाने के बाद आपको एक ग्रेडियंट मैप वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर टैप करना है। उसके बाद आपको नीचे जो है चार कलर मिल जाएंगे। पहले वाला जो है ब्लैक रहेगा, दूसरे वाला जो है अगर आपका कलर थीम जो है रेड है तो आप डार्क रेड ले सकते हो, और तीसरे वाला जो है लाइट रेड लेना। तो मेरा बेसिकली जो है ऑरेंज वाला थीम है तो मैं डार्क ऑरेंज लूँगा और ब्राइट ऑरेंज लूँगा। और आपका चौथा कलर जो है हमेशा वाइट ही रहना चाहिए। तो मैं जल्दी से कलर एडजस्ट कर लेता हूँ। तो कलर सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट अपना जो है PNG ऐड करना होगा अपने थंबनेल के ऊपर, और उसके बाद आप जिसका भी PNG बनाए हो उसके ऊपर जो है उसको रिप्लेस कर देना है। तो नेक्स्ट आपको आपके PNG के लेयर के नीचे एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। उसके बाद आपको एक स्क्वायर टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा नीचे, उस पर टैप करने के बाद आपको एक ब्रश टूल दिखेगा, उस पर टैप करना है और प्राइमरी कलर जो है ब्लैक ही रहेगा। उससे आपको आपके थंबनेल के मिड में जो है थोड़ा थोड़ा पेंट करना होगा। और आपका अगर थीम कोई और कलर है, जैसे कि मेरा यहाँ पर ऑरेंज है, तो यहाँ पर ऑरेंज कलर को जो है मैं ऊपर और नीचे से थोड़ा थोड़ा पेंट करूंगा। आपको पूरा फिल नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही पेंट करना है। तो
तो ब्लैक कलर फिल करने से क्या होगा कि एक विंटेज टाइप का जो है, ब्लैक विंटेज टाइप का जो इफेक्ट आएगा, और आपके थीम का कलर जो है थोड़ा स्मोक टाइप का दिखेगा। तो कलर पेंट करने के बाद आपको ऊपर एक एफएक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाना है, और उसके बाद बेसिक पर जाना है, और वहाँ पर एक गॉशियन ब्लर का इफेक्ट जो है ऐड करना है, और उसकी ब्लर रेडियस को जो है 100 कर देनी है। उसके बाद आपको देख सकते हो कि अगर अच्छा सा इफेक्ट मिल रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने लोगो के लेयर पर जाना है, और ऊपर एक सिलेक्शन टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जाना है, और एक सिलेक्ट पिक्सल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप कर देना। तो अब हम यहाँ पर अपने PNG में थोड़ा सा स्ट्रोक ऐड करेंगे अपने थीम के हिसाब से। तो उसके लिए आपको एंड के ऑप्शन पर जाना है, फिल एंड स्ट्रोक का ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ पर आपको कलर अपने थीम के हिसाब से चूज़ कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद जो है टाइप पर जाना है, और वहाँ पर फिल का ऑप्शन दिखेगा, उसको जो है स्ट्रोक पर लाना है, और यहाँ पर आप स्ट्रोक का जो है वेट आप एडजस्ट कर सकते हो। तो स्ट्रोक देने के बाद नेक्स्ट हमें जो है अपना टेक्स्ट ऐड कर लेना है। तो टेक्स्ट लेयर को ऐड करने के बाद नीचे आपको एक स्क्वायर टाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, उसको एनेबल करना है, और अपना जो है कॉल ऑफ ड्यूटी के ऊपर जो है एक स्क्वायर टाइप ले लेना है, और लेयर के ऑप्शन पर जाने के बाद लेयर फॉर्म सिलेक्शन पर टैप कर लेना है। उससे क्या होगा कि एक एक्स्ट्रा लेयर बन जाएगा कॉल ऑफ ड्यूटी के टेक्स्ट के लिए। उसके बाद वही सेम प्रोसेस में आपको मोबाइल और लाइव का जो है एक और एक्स्ट्रा लेयर बना लेना है, और उसके बाद आप ओरिजिनल लेयर को जो है डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एंड के ऑप्शन पर जाना है और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। उसके बाद आप जिस भी टेक्स्ट को जितना बड़ा आप चाहते हो, आपके नीड के हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो। तो दोनों ही टेक्स्ट के साइज़ को जो है एडजस्ट करने के बाद उन दोनों को मर्ज डाउन करना है। तो मर्ज डाउन करने के बाद जो है वो दो लेयर जो है एक लेयर बन जाएंगे। तो मर्ज डाउन करने के बाद आपको टेक्स्ट लेयर के ऊपर एक एम्प्टी लेयर ले लेना है, और उसके बाद जो है टेक्स्ट वाले लेयर पर टैप करना है। ऊपर आपको सिलेक्शन टूल मिल जाएगा, उस पर टैप करना है, सिलेक्ट पिक्सल करना है, और आपको फिर से लेयर के ऑप्शन पर जाना है और एम्प्टी लेयर पर टैप करना है, और उसके बाद आपको एंड के ऑप्शन पर जाना है और फिल एंड स्ट्रोक कर देना है, क्योंकि हमें अपने जो है टेक्स्ट के ऊपर एक स्ट्रोक चाहिए, और बेसिकली वो स्ट्रोक जो है हमें बैकग्राउंड में चाहिए। तो स्ट्रोक देने के बाद हमें जो है स्ट्रोक वाले लेयर को डुप्लीकेट कर देना है, दो दो जो है स्ट्रोक वाले लेयर ले लेना है। नेक्स्ट हमें एंड के ऑप्शन पर जाना है और ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके उस स्ट्रोक वाले लेयर को जो है बड़ा कर लेना है, और आपको जिस भी एंगल पर चाहिए उस एंगल पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ। तो स्ट्रोक के साइज़ को एडजस्ट करने के बाद उसका ब्लेंडिंग मोड जो है ओवरले कर देना है, और ओपेसिटी जो है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी को सेट करने के बाद आपको आपका स्ट्रोक लेयर जो है आपके PNG के लेयर के नीचे लाना है, और यही सेम चीज़ें जो है आपको आपके सेकेंड जो है स्ट्रोक वाले लेयर के साथ भी कर देनी है। तो PNG के पीछे स्ट्रोक वाला लेयर ऐड करने के बाद
आपको आपके टेक्स्ट के लेयर पर जाना है, ऊपर एफएक्स का ऑप्शन पर जाना है और वहाँ पर ड्रॉप शैडो का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर टैप करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है टेक्स्ट जो है ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा, क्योंकि उसके पीछे जो है थोड़ी सी शैडो टाइप रहेगी, तो आपको नीचे से जो है एडजस्ट कर लेना है आपको कितना ब्लर चाहिए। उसके बाद आपको फिर से टेक्स्ट वाले लेयर पर टैप करना है और ऊपर जो है सिलेक्शन टूल पर जाना है और सिलेक्ट पिक्सल पर टैप करना है। नेक्स्ट आपको लेफ्ट साइड में एक स्क्वायर टाइप का सिलेक्शन टूल दिख रहा होगा, उस पर टैप करने के बाद आप एक ब्रश टूल ले लेना है और आपका जो है कलर आप आपके थीम के कलर हिसाब से ले सकते हो। मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर ले रहा हूँ, तो कलर सिलेक्ट करने के बाद आपको आपके टेक्स्ट वाले लेयर को थोड़ा जूम कर देना है और उसमें जो है एक स्ट्रेट लाइन टाइप जो है पेंट कर देना है। तो फाइनली अब आपका थंबनेल बन चुका है, आप इसको सिंपली से सेव कर देना है और गैलरी में आपको इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो नेक्स्ट आपको लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और अपना जो है थंबनेल आपको ऐड कर लेना है और उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट और टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा जो एडिटिंग हम करेंगे। आप PSCC एप्लीकेशन में भी एडिटिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सभी लेयर को जो है मर्ज डाउन करके एक ही लेयर पर लाना होगा। उसके बाद आप वो उसमें भी जो है सैचुरेशन और ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है लाइटरूम एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे जिस भी एप्लीकेशन को यूज़ करके गेमिंग थंबनेल बनाते हो, आपको फाइनल टच के लिए जो है लाइटरूम एप्लीकेशन ही बेस्ट है। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, थोड़े दिनों में पोस्ट कर दूँगा कि आपको कौन सा ऐसी प्रीसेट बनाने हैं जिससे जो है आपके हर एक गेमिंग थंबनेल जो है अच्छा लगे और एक ही प्रीसेट हो, तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी। और आपको अगर प्रीसेट कैसे बनाते हैं नहीं आता तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसमें पूरा डिटेल मैंने बता चुका हूँ कि कैसे जो है प्रीसेट बनाते हैं। तो यहाँ पर आपके थंबनेल के लिए जो है फाइनल टच भी कंप्लीट हो चुका है, आपको सिंपली से सेव कर लेना है और आप अपने YouTube वीडियोस में इस थंबनेल को यूज़ कर सकते हो। तो यह गाइस यहीं तक था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, नॉलेजेबल लगा, तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। I've been keeping myself so busy.